इस समय हम मुंबई के कांग्रेस के पार्टी कार्यालय में हैं कुछ चंद सवाल लेकर जिस तरीके से इससे पहले कांग्रेस को विश्वास में लिए बिना जो सूचना पक्ष है या अन्य पक्ष है उन्होंने सभी वार्डों के जो है बाउंड्रीज जो हैं वो खींच दी जिससे कि कही कहीं ना कहीं कांग्रेस के वोट बैंक में सेन लगाने का काम हुआ उसके बाद में अब जो नई बात सामने आई है वो है एस सी एस टी एस टी और जो है ओपन वोट के बारे में जो जो डिक्लेरेशन किया गया चिट्ठी उड़ाई गई लॉटरी द्वारा जो है उसे तय किया गया हम ये जानने के लिए यहाँ पहुँचे हैं कि क्या ये करने के बाद में कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस का जो वोट बैंक है कांग्रेस का जो इलाका है पहले तो क्षेत्र को काटा गया उसके बाद में वार्ड को जिस तरीके से डिवाइड किया गया उससे कहीं ना कहीं वो जो वोट की दर है जो संख्या है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को उसका खामियाजा चुनाव के ज़रिए भुगतना पड़ेगा क्या इसके लिए हम आए हैं प्रमोद जी के पास प्रमोद जी आ, सर मेरा सवाल पहला यही रहेगा जिस तरीके से वार्ड की पुनर्रचना की गई उसके बाद में जो है जो वार्ड डिवाइड किए गए कई वार्डों को जो है पुरुष वार्ड थे उसको महिला कर दिया गया और कई महिला वार्ड को पुश कर दिया गया और जो ओपन थे उन्हें एस सी में तब्दील कर दिया गया एस सी को ओपन में तब्दील कर दिया गया तो सर इससे किस तरीके का नुकसान क्या आपको लगता है कांग्रेस को होगा नहीं ओवरऑल सिर्फ कांग्रेस पार्टी को ही होगा ऐसे नहीं है और जिस तरह का आपने कहा कि बदलाव हुआ है वो रोटेशन के माध्यम से बदलाव हुआ है वो ओवरऑल पूरे मुंबई में रोटेशन के माध्यम से हुआ तो वो बदलाव का जो इन्होंने जो इस समय बदलाव किया है उससे सिर्फ कांग्रेस को ही नहीं है सारे लोगों को अफेक्ट होगा जी आ, आ, सर जिस तरीके से पहले बात आई थी कि शुरुआत में जिस तरीके से वोट की जो पुनर्रचना की गई उससे कही न कहीं ना कहीं कांग्रेस नाराज चल रही थी और कांग्रेस के आला नेताओं ने महाराष्ट्र के अंदर बयान भी दिए उसको लेकर कि कांग्रेस को विश्वास में लिए बिना ये सारी प्रक्रिया की गई तो क्या चूक की गई इनके द्वारा जिसकी वजह से कांग्रेस नाराज़ हुई नहीं इस बात पे मैंने पहले भी चर्चा की आपको पहले भी बताया है कि जो पुनर्रचना जो ओवरऑल हुई है डिमार्केशन डिलिमिटेशन की जो बातें हैं उसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी को विश्वास में नहीं लिया कांग्रेस पार्टी क्यों राष्ट्रवादी पार्टी को भी विश्वास में नहीं लिया और जब आपने जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम जब साथ में हैं सरकार में महाविकास आघाड़ी के और उस समय ऐसे होता है जब आप सार सरकार में साथ में होते हैं तो एक दूसरे को विश्वास में लिए बगैर कोई काम नहीं करते तो जब ये सारी चीज़ें की गई डीमार्केशन की उस समय कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल विश्वास में नहीं लिया गया तो वो एक नाराज़गी की बात तो है ही है बिल्कुल सर मैं अगर बात करूँ जिस तरीके से पाँच साल एक नगर सेवक कॉरपोरेटर अपने वार्ड में अपने क्षेत्र में अपनी जनता के लिए पाँच साल वो जी तोड़ मेहनत करता है ताकि दोबारा जब चुनाव आए तो उसे कहीं ना कहीं उसके कामों को देख जनता उसे चुने और उसे दोबारा उसी जगह पर देखे वो और उसी स्थान पर नगर सेवक की देखे मगर कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से बदलाव किए गए तो कुछ कई कह, सारे वो सभी पक्षों के नगर सेवक होंगे कांग्रेस के होंगे राष्ट्रवादी के होंगे और शिवसेना के होंगे तो उन्हें कहीं ना कहीं इससे परेशानी हुई है आपको लगता है बिल्कुल जब आदमी पाँच साल मेहनत करता है और उसके बाद पता चलता है कि लॉटरी के माध्यम से वो विभाग जो है जो वार्ड है वो जनरल से सीधा महिला हो जाता है या सीधा ओबीसी के आरक्षण की बात की जाए जो इस समय नहीं है या फिर वो अभी एससी में चला गया है तो ये सारी चीज़ें जो प्रेजेंट वर्तमान में जो वहाँ का नगर सेवक होता है उसको तकलीफ़ होती है अचानक अगर वार्ड चेंज होता है तो फिर बट ऑबियस वो पाँच साल जब मेहनत करता है पूरी शिद्दत से काम करता है और उसके बाद पता चलता है अभी वो महिला विभाग हो गया तो कहीं ना कहीं वो दुख होता है और वो हालांकि ये सारे लोगों के लिए ही है सारे पार्टियों के लिए जी आ, आ, सर मैं एक सवाल करना चाहूँगा जिस तरीके से आपने कहा चिंता तो होती है तो सर क्या जिस तरीके से वार्ड तो तब्दील कर दिए गए हैं तो क्या कुछ कांग्रेस के जो काफ़ी नगर सेवक हैं वहाँ मुंबई मुंबई शहर के अंदर तो क्या कहीं से कोई प्रतिक्रिया आपको आई कि हमारे वार्ड में इस तरीके की तब्दीली की गई तो हमें इसका दुख हो रहा है या चिंता हो रही है नहीं नहीं काफ़ी जगह से बातें हो रही हैं ऐसे काफ़ी महिला वार्ड हो गए हैं तो वहाँ से तो होता ही ये बात ऐसे आ ही रही है कि भाई अब तक तो ये वार्ड जेंट्स था अभी अचानक महिला हो गया तो वो जो वर्तमान कॉरपोरेटर है उसकी अपनी दुख की बातें वो आगे ले आता है या कोई महिला जो अभी तक वर्तमान में कॉरपोरेटर है वहाँ पे वो चेंज हो गया है जनरल में आ गया है तो उसे भी वो एक डर लगा रहता है कि भाई अब अब मेरा क्या होगा बिल्कुल तो ये ये चल रोटेशन का जो हिसाब है वो इलेक्शन कमीशन की ओर से आता है और वो उसी तरह से हो रहा है जी सर uh, uh, मैं अगर कैंडिडेट चुनने की बात करूं कि सभी पार्टियों का एक लक्ष्य होता है कैंडिडेट के पीछे कि हमारा झंडा हमारा जो परचम लेकर खड़ा होगा उसका चेहरा मोहरा ऐसा होना चाहिए कार्यों में वो जनता के बीच में चर्चित होना चाहिए मेहनती होना चाहिए ईमानदार होना चाहिए तो कांग्रेस का क्या सर वो है सोच है कि उनके कैंडिडेट्स किस तरीके के होने चाहिए जिन्हें के वो जनता के बीच में कांग्रेस का परचम देकर भेजेंगे सारे सवालों में ही जवाब आपने पहले ही दे दिया है वो मेहनत होना चाहिए वो ईमानदार होना चाहिए उसकी अपनी छवि होनी चाहिए वो लोगों के बीच में होने वाला बंदा चाहिए तो ये सब चीज़ें अपने आप में बहुत ज़रूरी है जब तक आपका चेहरा लोगों के बीच में नहीं है लोगों में वो विश्वास अगर आप निर्माण नहीं करते हैं कि आप लोगों के लिए काम करने वाले हो तो लोग आपको क्यों चाहेंगे आपको क्यों टिकट देंगे तो उसी बेस पे पार्टी भी चाहेगी कि आपकी अपनी खुद की छवि हो अगर वो छवि हो तो पार्टी आपको टिकट देने से बिल्कुल हिचकाएगी नहीं बिल्कुल प्रमोद जी अंदरूनी गुटबाजी की अगर मैं बात करूं सभी पक्षों में होती है अंदरूनी गुटबाजियां होती है कोई किसी से संतुष्ट होता है तो कोई किसी से नाराज होता है वो किसी पक्ष की नहीं बात कर रहा हूँ अगर एक घर भी ले लिया जाए तो घर के अंदर अगर चार सदस्य होते हैं तो एक विचारों पर सहमत नहीं होते हैं तो सर ऐसी गुटबाजियों को खत्म करने के लिए किस तरीके की रणनीतियाँ बनाई जाएगी देखिए फिर से आपके सवाल में ही आपने जवाब दे दिया है कि किस घर में गुड़बाजी नहीं होती किस घर में भेदभाव नहीं होता और वाद विवाद नहीं होता यह सब जगह पे होता है हर जगह पे और हर पार्टियों में होता है उसको पार्टी के वरिष्ठ है वो अपने आप अपने लेवल पे टैकल करते हैं जी आ, सर मैं बात करूँ अगर चुनाव की युवती अगर कांग्रेस नहीं करती है और अपने दम खम पर चुनाव लड़ती हैं तो क्या मुद्दे होंगे क्या जनताओं की समस्याएँ होंगी जिनको के कांग्रेस मेजर समझ रही है और उसको लेकर चुनाव में आगे की रणनीतियाँ बनाई जाएगी देखिए जहाँ तक युति की बात आपने की है तो युति करना नहीं करना ये तो पार्टी के वरिष्ठ जो नेता हैं वो तय करेंगे जहाँ तक है वो आपस में बैठ के चर्चा करेंगे युति करनी है नहीं करनी है या खुद के दम पे चुनाव लड़ना है तो ये बात इस समय यहाँ पे मुझे उस पर निर्णय लेना या मुझे उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा जी प्रमोद जी खैर एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि युति मान लीजिए अगर हो जाती है या नहीं होती है जो भी होता है सर मैं ये जानना चाहूँगा कि कई सारी पार्टियाँ जो है इस समय मुंबई शहर के अंदर जो है चुनौती के रूप में सभी दलों के लिए खड़ी हो रही है कांग्रेस की एक छवि रही है जो कि सेकुलर छवि रही है वो किसी धर्म विशेष को ना चाहती है ना विरोध करती है ठीक है मगर कुछ पार्टियां ऐसी है जो कि कहीं ना कहीं इस इसे चैलेंज करते हुए सामने उठ खड़ी होने वाली हैं जैसे एमआईएम पार्टी है और आप पार्टी ने भी मुंबई में कदम जमा लिया है और धरने आंदोलनों आंदोलनों के ज़रिए जो है उन्हें उन्होंने अपनी जो मौजूदगी है वो जता दी है तो सर क्या लगता है कि इनके आने से कांग्रेस के वोट बैंक में कहीं ना कहीं क्या कुछ हद तक सेंध लग सकती है नहीं ऐसे हैं हर किसी को अपना अधिकार है हर किसी को पूरा अपना अपनी पार्टी लॉन्च करने का अपने बाशिंदे नुमाइंदे उतारने का रणनीति ये जो रण है अभी जो लड़ाई महानगर पालिका की होने वाली है उसमें उतारने का पूरा पूरा अधिकार है वो अपनी ओर से पूरी तरी कैसे अपनाएगी अपने के तरीके अपनाएगी अपनी पूरी तौर तरीके से अपने लोगों को उतारेगी हम अपनी तरीके से अपने तौर तरीके से अपने कैंडिडेट्स हैं उनको आ, उतारेंगे हम पूरी कोशिश करेंगे और हमारी छवि एकदम साफ़ है हमको पता है हमारा गोल क्या है और हमारे विजन क्या है मुंबई के प्रति ये साफ़ है तो उसमें मुझे दिक्कत ऐसे कहीं पे भी लगती नहीं है प्रमोद जी एक और सवाल आपको जो जिम्मेदारी दी गई है कांग्रेस की तरफ से उन जिम्मेदारियों को आप कितना जो है सीरियसली ले रहे हैं देखिए पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है दक्षिण मुंबई की जिम्मेदारी दी है मैं पूरी तरह पूरी कोशिश कर रहा हूँ ज़िम्मेदारी पर खरा उतरने की और पूरी शिद्दत से काम करने की कोशिश चल रही है सारे लोगों को इकट्ठा साथ में लेके काम करने की कोशिश कर रही चल रही है अभी समय बताएगा इसमें हम किस तरह सफल होंगे किस तरह हमारी रणनीतियाँ होंगी ये तो समय बताएगा अब के बार या इतने जल्दबाजी में आपको इस पूरी बात का ब्यौरा करना उचित नहीं होगा बिल्कुल बिल्कुल ये छे प्रमोद जी प्रमोद पांडेकर जी जिन्होंने कई सारे सवालों का जवाब दिया जैसे कि मेरा सवाल था चुनाव को लेकर चुनाव की तैयारियां किस तरीके से की जाएगी तो उन्होंने कहा कि आला नेताएं जो है नेतागण हैं वो इसमें जो भी फैसला लेंगे वो निचले स्तर के जितने भी कार्यकर्ता होंगे सबको मंजूर होगा और मैंने बात की गुटबाजी की कि गुटबाजी जो है किसी भी पार्टी या पक्ष में होती है उससे निपटने के लिए क्या कुछ तैयारियाँ हैं तो उन्होंने कहा कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं या हमारे जो नेतागण हैं वो सक्षम है इन सारी चीजों से निपटने के लिए और जो है ऐसा कुछ होने से पहले ही इसे रोक दिया जाएगा और कांग्रेस पार्टी जो है चाहे वो अकेला चुनाव लड़ने की बात हो या युति में दोनों ही तरीके से तैयार है बशर्ते ये आला नेता आगे क्या निर्णय लेते हैं और क्या उनका हुक्म आता है जिसका के पालन सारे नीचे के स्तर के जो नेतागण हो या कार्यकर्ता हो वो उस पर अमल करेंगे मेरा सवाल था जिस तरीके से प्रमोद जी को ज़िम्मेदारी दी गई है क्या उन जिम्मेदारियों को वो सही मायने में चुनौती के रूप में ले रहे हैं तो उनका साफ कहना था मुझको जो भी ज़िम्मेदारी दी गई है मैं पूरी तरीके से उसे उसे संपूर्ण करने में सक्षम हूँ और आने वाले समय में आप खुद देखेंगे कि किस तरीके से मैंने अपने क्षेत्र को बांध कर रखा अपने लोगों को बांध कर रखा अब ये बात और है कि चुनाव आने में अभी काफी समय है मगर कहीं ना कहीं चुनावी पृष्ठभूमि तैयार होना शुरू हो चुकी है और इस रणभूमि पे जो है सब अपने अपने सिपाहियों को उतारने की तैयारियां कर चुके हैं मगर देखना यह होगा कि जो महानगर पालिका का गुंबद है उस पर किसका झंडा लहराता है और कौन सी ऐसा सत्ताधारी पार्टी है जो कि इस महानगर पालिका पे फतेह हासिल करती है कैमरामैन शफीक साटविलकर के साथ शैक्षेख की रिपोर्ट द दे डेली इंडिया न्यूज मुंबई